हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो सुबह के 5:45 बज गए हैं। तो यहाँ पर हमने जो है टिफ़िन की तैयारी कर दी है, बच्चे आज टिफ़िन लेकर के जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलिए मैं यहाँ पर जो है बना देती हूँ। तो उठने के बाद मैंने अभी कोई काम नहीं किया है, तो मैंने कहा पहले हम टिफ़िन बनाते हैं, उसके बाद में फिर जो है काम करेंगे। तो यहाँ पर आज देखिए जो है मैं लंच के लिए मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं आलू की भुजिया। और आलू की भुजिया देख सकते हैं कि जो है मैं किस तरीके से बना रही हूँ। इसमें हमने जो भी सब्जियाँ कट की हैं वो एकदम लंबे साइज में है, प्याज है, हरी मिर्ची है और आलू है। आलू भी हमने लंबे साइज में कट किए थे। तो हम यहाँ पर जो है सब्जियों को छौंक देते हैं, तो सारी सब्जियाँ मिक्स करके डालेंगे। इसमें हमने पहले तेल, जीरा ये सब डाल के उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है छौंक दी। तो सब चीज़ अच्छे से तल लिया, उसके बाद में हम डाल देते हैं इसमें मसाले। तो मसाले हमारे वही हैं जो हम डेली यूज करते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, बस ये मसाले डालेंगे। इसमें हम गरम मसाला नहीं डालेंगे। तो ये मसाले से जो है बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो यहाँ पर हमने ये सब डाल के और पहले तो जो है सब्ज़ी छौंक देते हैं, उसके बाद में बनाती हूँ रोटियाँ। तो थोड़ा सा हमने नमक डाला है, अभी हम जो पराठे बनाएंगे उसमें भी नमक डालेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल के ऐसे ही हमने ढक दिया है बिना पानी डाले। तो कुछ सब्जियां बिना पानी की जो बनाते हैं ना, उनका टेस्ट सबसे अलग हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कभी कभी हमें जब मन करता है ना, तो ऐसी जो सब्जी बना लेते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। तो सब्जी मैंने छौंक दी, उसके बाद मैं आटा लगा लेती हूँ। यहाँ पर हमने आटे में थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली और 1-2 चम्मच करीबन मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें डाल के इसके बाद में हम जो है आटा लगा लेंगे, और आटा लगाने के बाद फिर जो है बना देते हैं झट से पराठे। तो सुबह का जो टाइम रहता ना इतना नहीं रहता है, जैसे कि अपने आराम से सारे काम करो वो वाला टाइम नहीं होता है, बहुत जल्दबाजी वाला काम होता है ना सुबह सुबह। तो सुबह आज हमने अभी कोई भी वैसे काम नहीं किया, अभी झाड़ू वाड़ू सब निकालने के लिए है। अभी मैंने सिर्फ इस कमरे का ही जो है थोड़ा बहुत कर लिया था, बाकी अभी हमने झाड़ू वाड़ू बाहर की नहीं निकाली है। तो मैं सोची पहले टिफ़िन विफिन बना देती हूँ उनको, उनके लिए, तो उसके बाद में ही काम करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले जो आज टिफ़िन मैंने सोचा बना देती हूँ, तो उसी में जो है मैं लग गई सुबह सुबह। तो यहाँ पर हमने आटा लगा के और जो मैं पराठे बना रही हूँ ना, वो इस टाइप में बना रही हूँ, जैसे कि मैंने 2 छोटी छोटी लोइयाँ ली हैं, उसमें हमने दोनों तरफ तेल लगा के और थोड़ा थोड़ा दोनों को अच्छे से मिला दिया। और मिलाने के बाद फिर मैंने एक पराठा इसका बनाया है। तो इस टाइप में जो कभी कभी पराठे बनाते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। हम पहले गाँव में बनाते थे, और अब तो जो है वही तिकोने वाले पराठे ज़्यादा बनते हैं, तो बच्चे सबसे ज़्यादा है ना वही वाले पराठे पसंद करते हैं। ये वाले तो बहुत ही कम खाते हैं। आज हम बना रहे बहुत दिन बाद, तो मैंने कहा चलिए आज ये ऐसे देती हूँ। पर ये इसमें क्या रहते हैं ना, 2 परत रहती है और उसमें करीबन 3-4 परत रहती हैं। जो तिकोने वाले पराठे होते हैं ना, वो उसमें 4 परत होती है, इसमें 2 ही होती है। तो इतना इसमें शायद बच्चों को अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसलिए वही वाले पराठे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए पराठे बना दिए, उसके बाद मैंने कहा चलिए आप जो सब्जी देख लेते हैं। सब्जी हमारी बन के तैयार भी हो गई है, जब तक हमने पराठे बनाए तब तक देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बन गई। इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, हरी धनिया हमारे पास नहीं थी अभी, तो मैंने नहीं डाली, होती तो मैं ज़रूर डालते। तो मैंने सब्जी निकाल के ठंडी कर दी है, और ठंडी करने के बाद में फिर मैं जो 1-2 पराठे और बना लेंगे, फिर उसके बाद में मैं जो बच्चों के लिए टिफिन विफिन लगा देते हैं। तो बच्चों को भी हमने जो बीच में उठा देती हूँ, जब तक मैं इधर थोड़ा बहुत काम करती हूँ उसके बीच में, फिर उन्हें भी उठा देती हूँ। तो बच्चे उठ के गए हैं फ्रेश फ्रेश होने के लिए, उसके बाद में मैंने कहा चलिए जब तक आएंगे तब तक और थोड़ा बहुत उनका मैं जो काम आसान कर देती हूँ। वैसे तो बच्चे ही बॉटल वोटल भरते हैं, तो मैंने कहा चलिए मैं भर देती हूँ, अभी आए नहीं है तब तक। तो मैंने यहाँ पर बॉटल अच्छे से धो करके और दोनों जो बॉटल भर के रख देती हूँ। और उसके बाद में देखिए आ भी गए थे ड्रेस व्रेस पहन के, तो यहाँ पर जो है मैं उसकी जो है चोटी कर रही हूँ बेटी की, और अभी भी जो है 2 चोटी करके जाती है, तो अभी मुझे ही करनी पड़ती है। तो मैंने चोटी कर दी, उसके बाद मैंने कहा चलिए अब ठंडी हो गई है सब्जी रोटी, तो अब जो पैक कर देती हूँ यहाँ पर।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टिफिन विफिन बच्चों का मैंने पैक कर दिया है, अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल। उसके बाद में फिर हम घर के काम करेंगे, काम करने के बाद में फिर हम जो है नहा धो करके मिलते हैं आप सभी से। तो बस यहाँ पर पहले हम बच्चों को भेज दें उसके बाद में। तो बच्चे गए हुए काफ़ी देर हो गई है, फिर मैंने कहा चलिए अब अपना काम करते हैं। तो काम करके फिर जो है मेरा नहाना धोना भी हो गया है, उसके बाद मैंने कहा चलिए अब हम जो है पूजा पाठ करते हैं। तो बस यहाँ पर हम जो है थोड़ा बहुत कुछ लगा लेते हैं चेहरे पर, उसके बाद में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ ट्राई थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, जैसे कि चेहरा मेरा ड्राई रहता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत, कहीं तो हम गुलाब जल लगा लेते हैं, कहीं तो हम कुछ और लगा लेते हैं, अलग अलग तरीके से जो है ट्राई करते रहते। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ पूजा मंदिर में, और यहाँ पर मैंने कहा चलिए अब जो है पूजा वूजा करती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सारे भगवानों को नहला धुला दिया है, उसके बाद में मैंने आरती की है। आरती करने के बाद में चलती हूँ मैं फिर तुलसी मैया की जो है पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो है पूजा सम्पन्न हो गई, इसके बाद हम आ गए तुलसी मैया के पास। यहाँ भी हमने पूजा कर ली, और पूजा करने के बाद में फिर मैंने कहा चलिए आप जो है चलती हूँ किचन में। और यहाँ का जो दीपक है बहुत ही मुश्किल से जलता है, इतनी ज़्यादा हवा चलती है, कितनी बार भी चलाओ बहुत ही मुश्किल होती है जलाने में। तो जैसे तैसे तो हमने जो है दीपक जला दिया, और उसके बाद में फिर हम आ गए किचन में। तो मैंने कहा आप यहाँ की जो है जो क्लीनिंग है आप जो मैं जो कर लेती हूँ, खाना पीना हमारा बन चुका था, तो मैंने कहा चलिए आप जो है साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और इस कमरे की साफ़ सफाई हमारी थोड़ी सी लेट ही होती है, करीबन 10-11 बज जाते हैं साफ़ सफाई करने में। खाना पीना बनता है, फिर सब लोग खाते पीते, उसके बाद में फिर जो है काम होते हैं बाद में। तो यहाँ पर हमने किचन अच्छे से साफ़ सुथरी करके इसके बाद में हमने बर्तन धो लिए, बर्तन थोड़े से थे तो सारे बर्तन धो के इसके बाद में मैंने कहा चलिए अब हम जो मेरा फ्रिज है इसकी भी सफाई कर देती हूँ। तो इसकी सफाई तो ऐसी है कि हफ्ते में एक बार तो सफाई होती है, डीप क्लीनिंग तो नहीं होती, लेकिन इस तरीके से सफाई हम करते ही रहते हैं। और जब भी मुझे लगता है कि इसे ये गंदा होगा तो उससे पहले जो है मैं साफ़ कर देती हूँ थोड़ा बहुत। इसमें जो मेरा फ्रिज है काफ़ी पुराना है, तो पुराने की वजह से इसमें थोड़ी जो इसमें क्या हाँ रबड़ लगी हुई है ना, तो रबड़ थोड़ी सी ढीली हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं कहाँ से इसमें जो छोटे छोटे मच्छर हैं वो अंदर चले जाते हैं, चींटियाँ भी चली जाती हैं। अब क्या बताऊँ आपको, सच में आप देख करके सच में ये बोलोगे कि क्या क्या बोलते हैं। सच में ना मेरे फ्रिज में चींटियाँ भी चली जाती हैं, मच्छर भी चले जाते हैं, तो उनसे गंदा लगता है। वैसे गंदा नहीं होता है, जैसे कि सब्जियों से देखो तो उसमें गंदा नहीं होता है, सबसे ज़्यादा गंदा उसी से लगता है, जैसे कि चींटियाँ हैं और मच्छर हैं उनसे, तो उनकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है। और फ्रिज ऐसा है कि ये बर्फ़ अगर ज़्यादा बन जाए ना तो उसका पानी भी अंदर ही रहता है, और वो पानी इधर ढुलता रहता है, तो इसकी वजह से फिर जो है बहुत ही मुश्किल होती है, जैसे कि साफ़ सफाई करने में। यहाँ हमेशा पानी बना ही रहता है, हमेशा यहाँ पानी रहता है, इसकी वजह से यहाँ पर एक कपड़ा यहाँ ज़रूरी रहता है साफ़ सफाई करने के लिए। तो उसके बाद में देखिए अच्छे से मैंने पूरी किचन की साफ सफाई कर दी है, और उसके बाद में फिर अब लगा लेती हूँ यहाँ पर पोछा। तो पोछा ओछा लगाने के बाद में फिर मैं बाहर भी धो देती हूँ, बाहर भी धोना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर ज़्यादा गंदा हो जाए ना तो फिर कमरे भी गंदे रहते हैं, क्योंकि अगर बाहर ही अगर गंदा है फिर सब लोग इधर उधर होते हैं, जैसे कि इस कमरे में उस कमरे में जाना आना होता ना, तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाता। तो उससे पहले ही हम जो है साफ़ सफाई कर देते हैं और ज़्यादा गंदा नहीं होने देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का मेरा जो रूटीन ब्लॉग है कैसा लगा है आप सभी को, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सुबह से मैंने बच्चों के लिए सुबह से नाश्ता, उसके बाद घर की साफ सफाई, बहुत सारे सुबह काम हो जाते करने के बाद में। अभी हम जो है फुर्सत हो गए तो यहाँ पर हम बना रहे हैं लस्सी, सॉरी लस्सी नहीं है, छाछ बना रहे हैं। तो छाछ बना ली अभी अभी जो है, दही जमा, रात को जमाया था वो अच्छे से नहीं जमा, फिर अभी बड़ी मुश्किल से जमा। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर जो है आज हम रोटियाँ खाने वाले हैं, बासी रोटी। तो ये जो रोटी है ना
हमारे गांव में बहुत ही पसंद करते हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमारे यहाँ खाते ही हैं मतलब यूपी में, और हम भी जब गांव में थे तब हम भी खाया करते थे। तो अभी मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा आज हम वैसे ही हम जो रोटी खाएंगे, तो हमने दो रोटियां बचा के रख दी थी, तो मैंने कहा आज हम गांव के तरीके बिल्कुल देसी तरीके से जो है हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है रोटियों को दोनों को मसल लिया है, उसके बाद में हमने इसमें जो छाछ बनाई थी वो इसमें हम डाल देते हैं। छाछ खट्टी नहीं थी, बहुत ही अच्छी थी, सच में मज़ा आ गया था खा करके। तो यहाँ पर हमने छाछ है ना बिल्कुल खट्टी नहीं है, अच्छी ही थी। यहाँ पर हमने पूरी जो छाछ थी इसमें हमने डाल दी, डालने के बाद फिर इसमें हम डाल देते हैं नमक मिर्ची। और ये देखिए हमारा बिल्कुल देसी खाना तैयार हो गया। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।